हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चमेली फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर कि कैसे आप इन प्लांट्स को घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनकी कटिंग से, और कटिंग से लेकर पूरा फ्लावरिंग तक का प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बताऊंगा कौन से सीजन में आपको इन प्लांट्स को इनकी कटिंग से प्रोपोगेट करना चाहिए और कौन सी बेस्ट सॉइल होती है और कौन सा बेस्ट मेथड होता है जिससे आप सभी को भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। और यही नहीं, साथ ही साथ हम पूरा एक साल से ज्यादा का इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे विद रिजल्ट के साथ और केयर टिप्स के साथ। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक एंजॉय करिएगा। बाकी देख, अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको भी चमेली प्लांट्स को घरों में ग्रो करना है वो भी इनकी कटिंग से, तो लगाने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो हमारा रहता है मॉनसून यानी कि रेनी सीजन। आप इसे रेनी सीजन में इनकी कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपको भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कटिंग सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली आपके सामने मैंने इनकी कुछ स्टेम्स को प्लेस करा हुआ है। देखिए, इसकी जो न्यूली ग्रोन टाइप की कटिंग्स होती है यानी कि स्टेम्स होती है, उन्हें आपको प्रोपोगेट नहीं करना है, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जो देखिए स्टेम्स थोड़ी ओल्ड हो जाती है और जिनका जो आउटर शेल होता है वो हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, उस टाइप की कटिंग्स को ही आप सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसमें आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इन कटिंग्स में से सबसे पहले मैं इनकी कटिंग्स को करता हूँ सिलेक्ट और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ किस टाइप की कटिंग्स को आप सभी को भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी चमेली की कटिंग्स थी उन्हें हमने यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए आपको किस टाइप की कटिंग्स को लेना है, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था थोड़ी ओल्ड कटिंग्स होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 7 से 8 इंच तक की तो लेंथ मिनिमम इसकी होनी चाहिए। और इनकी जो लीव्स होती हैं और साइड स्टेम्स होती हैं उन्हें आपको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने हमारी कटिंग्स के साथ करा हुआ है। नीचे से आप इसे 45 डिग्री के एंगल पर कर लेंगे कट, और हल्का हल्का सा इसका जो आउटर शेल होता है उसे भी आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि इससे इसके जो रूटिंग बनने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा जल्दी होते हैं। इसी सेम तरीके से हमने हमारी और कटिंग्स को सिलेक्ट कर लिया, उनकी भी हमने आउटर शेल को रिमूव कर दिया और नीचे से 45 डिग्री के एंगल पर भी कट कर लिया, उनकी लीव्स को भी हमने कर लिया है रिमूव। तो चलिए अब जो हमारी कटिंग्स है वो रेडी है। अब सबसे पहले देखते हैं इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए इसका सॉइल मीडिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पॉटिंग सॉइल की बात करें चमेली कटिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे का। अगर आप सभी के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह जो रिवर सैंड यानी कि बजरी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर इन केस आप सभी के पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस एक बात का याद रखना, उसमें किसी भी तरीके का कंपोस्ट ऐड नहीं होना चाहिए। अगर कंपोस्ट मिक्स होगा तो जो हमारी कटिंग्स है वो गल जाएंगी, फिर वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पर अगर देखें हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाले हैं। आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस एक बात का आपको मेक श्योर करना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद देखिए, जो हमारी कोकोपीट थी उससे हमने हमारे इस पॉट को कंप्लीटली कर लिया है फिल। सबसे पहले हम हमारी कोकोपीट को करते हैं मॉइस्ट। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो हमारी सॉइल को यहाँ पर मॉइस्ट भी कर लिया है। इसके बाद आपको इसमें करना पड़ेंगे होल्स। देखिए, जितनी आप इसकी कटिंग्स को लगाएं उतने ही आपको इसमें होल्स कर लेना, और डिस्टेंस पर हमें इसके होल्स करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो हमारी सॉइल में होल्स भी कर लिए हैं। चलिए अब हम हमारी कटिंग्स को लेते हैं और इसमें करते हैं प्लेस। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम रूटिंग हार्मोन पाउडर की बात करें तो उसमें हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है रूटिंग हार्मोन पाउडर, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाले हूँ। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। अगर आप सभी के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह जो हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो जो एलोवेरा जेल होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इन कटिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए एज अ रूटिंग हार्मोन। तो चलिए अब जो हमारी कटिंग्स को लेते हैं और सॉइल में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी पहली चमेली की कटिंग। अब देखिए, जहाँ से हमने इसे 45 डिग्री के एंगल पर कट करा था और इसके आउटर शेल को रिमूव करा था, इस वाले पार्ट को आपको रूटिंग हार्मोन पाउडर में करना है डिप। इसके बाद डायरेक्टली आप इसे सॉइल में कर देंगे प्लेस और स्ट्रेट आप सभी को प्लेस करना है, और अगल बगल से सेम पॉटिंग सॉइल से भी कवर कर देना है। इसी सेम तरीके से जो हमारी सेकेंड कटिंग है उसे हम लेते हैं और बिल्कुल सेम तरीके से रूटिंग हार्मोन पाउडर में करेंगे डिप, सॉइल में स्ट्रेट प्लेस करेंगे, अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। बस एक बात का याद रखना है,
डिस्टेंस पर आपको इन्हें प्लेस करना है, जिससे जो हमारी इन कटिंग्स की जब रूट्स डेवलप्ड हो तो वो आपस में मर्ज ना हो। इसी सेम तरीके से हम हमारी और कटिंग्स को पहले यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सारी चमेली की कटिंग्स थी उन्हें हमने यहाँ पर सॉइल में लगा दिया है। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी लगाना है। इसके बाद इस पॉट को हम प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में, जब तक हमारी इन कटिंग्स में से न्यू शूट्स और इनकी रूट्स बनना स्टार्ट ना हो जाए। और आप इन्हें ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहाँ से बारिश का पानी भी मिल सके। और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इन प्लांट्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं, फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ उनके सक्सेसफुल रिजल्ट। बाकी ये वीडियो अगर आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। After 14 days, तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स को इनकी कटिंग से प्रोपोगेट करा था, इन्हें करे हुए 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली हमारी कटिंग्स में से न्यू शूट्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये आप सभी के सामने इनके कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट। हमने देखी इनकी जितनी भी कटिंग्स को लगाया था, लगभग सारी कटिंग्स में से न्यू शूट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली देखिए इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारी कटिंग्स की वाटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं, जब तक इनकी ये जो लीव्स है थोड़ी साइज में बिग होती है और इनकी जो रूट्स है वो और भी अच्छी तरीके से डेवलप्ड होती हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट्स। After 37 days, तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स की कटिंग्स को प्रपोगेट करा था, इन्हें करे हुए 37 days कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कटिंग्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। और अब ये जो कटिंग्स है ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो चुकी हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी एक कटिंग को विदड्रॉ करते हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ उनके रिजल्ट, यानी कि इनकी रूटिंग कि कैसी इनकी यहाँ पर रूटिंग डेवलप्ड हुई है। अब किसी भी टूल की मदद से आप इनकी कटिंग्स को विदड्रॉ कर सकते हैं। बस एक बात का याद रखना है, रूट्स को आप सभी को डैमेज नहीं करना है क्योंकि अभी नई नई इनकी रूट्स बनी हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी एक कटिंग को विड्रॉ कर ली और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी यहाँ पर रूट्स बन चुकी है। तो अब देखिए हम इन्हें बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट, और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, उसमें हमें यूज करना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% वन ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगा हमारा इसमें कोकोपीट। आप देखिए कोकोपीट की जगह सैंड का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम इन तीनों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पॉटिंग सॉइल था चमेली प्लांट्स के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें, तो बेसिकली जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उन्हीं का आप सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए जो हमारे चमेली प्लांट्स होते हैं ये एक्चुअली में बाइन होती यानी कि बेल टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो इन्हें फैलने के लिए अच्छा खासा स्पेस चाहिए पड़ता है। तो आपको इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स का ही सिलेक्शन करना है, जिससे आप सभी को भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। मैं यहाँ पर सीमेंट पॉट का यूज करने वाला हूँ, आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। बस एक बात का याद रखना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। चलिए अब जो हमारी चमेली की कटिंग है उसे हम लेते हैं और इसमें करते हैं ट्रांसप्लांट। तो ये हमारी देखिए कटिंग, अब देखिए इसका जो ऊपर वाला आप सभी को सेक्शन दिख रहा है खाली सेक्शन, इसे भी आप सॉइल के अंदर दबा सकते हैं, यहाँ से भी इसके एक्स्ट्रा रूटिंग बनने के चांसेस होते हैं। सिंपली आप सभी को क्या करना है, सॉइल के सेंटर में करना है एक होल, अपने प्लांट को प्लेस करेंगे, अगल बगल से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देना है कवर। तो देखा आपने कितना ही सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। इसके बाद हाल के अलम कर देंगे इसकी वाटरिंग, जिससे जो हमारे प्लांट्स हैं ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इसकी वाटरिंग भी कर दी है, इसके बाद इस पॉट को आप प्लेस कर देंगे 2 से 3 दिनों के लिए शेडी एरिया में, उसके बाद हम इसे प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि देखिए जो हमारे चमेली प्लांट्स होते हैं गर्मियों के मौसम का ही प्लांट होता है और इसे डायरेक्ट सनलाइट की नीड होती है। अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही प्लेस करिएगा, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस प्लांट की वाटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट करते हैं फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ उनकी आगे की केयर टिप्स। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक एंजॉय करिएगा।
आफ्टर 93 डेज। तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स को उनकी कटिंग से लगाया था, इन्हें लगा हुए 93 डेज कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। तो इस स्टेज पर हमें क्या करना है, हमारे प्लांट्स की करना पड़ेगी पिंचिंग। पिंचिंग से क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है ये बुशी होता है। अब देखिए कितनी बार आप सभी को पिंचिंग करना चाहिए, तो मिनिमम आपको इसकी 3 बार पिंचिंग करना है और मैक्सिमम आप इसकी 5 बार भी पिंचिंग कर सकते हैं, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ इसी सेम तरीके से हम हमारे दोनों ही प्लांट की कर लेते हैं। मैंने आप सभी को इसके एक प्लांट को लगाकर बताया था, बाद में मैंने इसके एक और प्लांट को लगा लिया था, तो दोनों ही प्लांट्स की हम यहाँ पर पिंचिंग कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स को उनकी कटिंग से लगाया था, इन्हें लगा हुए 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है। और इनकी जो फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो चुकी थी, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनमें थोड़े बहुत फ्लावर के बड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन अब इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि अब देखिए सर्दियों के मौसम आने वाला है, और सर्दियों के मौसम में जो हमारे चमेली प्लांट होते हैं इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो हमारा चमेली प्लांट होता है गर्मियों के मौसम का प्लांट होता है, गर्मियों के मौसम में ही इसकी अच्छी ग्रोथ आप सभी को देखने को मिलेगी। तो देखिए इस स्टेज पर हमें क्या करना है, चलिए अब हम बात करते हैं विंटर केयर की। सबसे पहले मैं इसकी हल्की हल्की सी कर दूंगा कटिंग, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इसकी जो लीव्स है पहले येलो पड़ेंगी, येलो पड़कर झड़ना स्टार्ट होगी, तो आप भी चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, नो इशू। इसके बाद हम इन प्लांट्स को ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहां से दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके सर्दियों के मौसम में, और वाटरिंग भी आप तभी करेंगे जब इसके सॉइल के ऊपर का सरफेस आप सभी को हल्का हल्का सा ड्राई दिखे, क्योंकि अगर आप इसमें हल्की सी भी ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो हमारे चमेली के प्लांट्स होते हैं फिर धीरे धीरे कर हो सकता है कि जो हमारा प्लांट है वो कंप्लीटली सूख भी जाए। तो इसलिए आप सभी को विंटर सीजन में इनकी लेस वाटरिंग ही करना है, तभी करेंगे जब इसके सॉइल के ऊपर का सरफेस आप सभी को हल्का हल्का सा ड्राई दिखे। चलिए अब जो हम वेट करते हैं वापस से गर्मियां आने देते हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं वापस से इनकी केयर टिप्स की, आपको अब विंटर सीजन के बाद क्या इनकी केयर करना है जिससे आप सभी को भी वापस से इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले, यानी कि इनकी फ्लावरिंग देखने को मिले आफ्टर 11 मंथ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स को लगाया था, इन्हें लगा हुए 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और वापस से अब गर्मियों के मौसम भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट फरवरी का महीना चल रहा है, वो भी उसके देखिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और मार्च के महीने से हमारे यहाँ प्रॉपर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वापस से हमारे प्लांट्स में से न्यू शूट्स यानी कि न्यू स्टेम्स और लीव्स भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बेसिकली देखिए इस स्टेज पर हमें क्या करना है, देखिए जैसे जैसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे इन्हें फर्टिलाइजर की नीड भी होती है। अब अगर आप चाहें तो उनमें बर्मी कंपोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसमें ऐड करके बताऊंगा डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सॉइल की करना पड़ेगी हल्की हल्की सी गुड़ाई। तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल की करते हैं हल्की हल्की सी गुड़ाई, और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ किस टाइप से हमें डीएपी को इन प्लांट्स में अप्लाई करना है जिससे आप सभी को भी इनके बेस्ट रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर देखिए सॉइल की हमने हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर दी है, इसके बाद ही हमारा डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। अब आप इसे देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसे लार्ज साइज के पॉट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच सफिशियंट है, और जो हमारा मेन प्लांट होता है उससे आप सभी को इसे दूर ही प्लेस करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी डीएपी थी उसे हमने यहाँ पर सॉइल में ऐड कर दिया है, इसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे डायरेक्टली हमारे प्लांट्स की रूट्स के कॉन्टेक्ट में आ सके, और हल्का हल्का कर देंगे इसकी वाटरिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इसकी वाटरिंग भी कर दी है, अब देखिए इसी सेम तरीके से जो हमारा सेकंड वाला चमेली का प्लांट है उसमें भी हम देखिए फर्टिलाइजर को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो इसकी लीव्स ये जो सूख रही हैं इन्हें भी आपको रिमूव कर देना है कुछ इस तरीके से, और बाकी हमें कुछ नहीं करना है, इन प्लांट्स को हमें डायरेक्ट सनलाइट में ही प्लेस कर रहना है और वाटरिंग का रखना है ख्याल। और जिस तरीके से देखिए मैंने आप सभी को इनमें फर्टिलाइजर ऐड कर बताया है उसी सेम तरीके से आपको इनमें फर्टिलाइजर भी रेगुलर बेसिस पर देना है आफ्टर 1 ईयर 5 मंथ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स को उनकी कटिंग से प्रोपोगेट करा था, इन्हें करोगे 1 साल 5 महीने कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है, और आप देखिए इनमें से फ्लावर के बड्स आना भी स्टार्ट हो चुकी है, और ये बेसिकली आप सभी के सामने इनके कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट। तो हमने देखिए इसके 2 प्लांट्स को लगाया था, दोनों में ही फ्लावर के बड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं।
तो देखिए इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इम्प्लांट्स की वॉटरिंग का रखना है ख्याल। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ उनके रिजल्ट यानी कि फ्लावरिंग। After 1 year 5 month 20 days तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे चमेली प्लांट्स को इनकी कटिंग से लगाया था, इन्हें लगा हुए 1 साल 5 महीने 20 दिन करीब हो चुके हैं और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। हमने देखिए इसके 2 प्लांट्स को लगाया था और दोनों में ही भर भर कर अब फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इसी सेम तरीके से आप भी अपने घरों में चमेली प्लांट्स को इनकी कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी इनमें ढेरों सारे फ्लावर के बर्ड्स भी लगे हुए हैं, यानी कि अभी मेरे को इनकी और भी ढेरों सारी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनके जो फ्लावर्स हैं वो कितने ही अच्छे लगते हैं देखने में। इनकी जो फ्लावरिंग होती है मॉर्निंग के समय खिलती है और इनके जो फ्लावर की स्मेल होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर आपको भी इनकी फ्लावरिंग देखना है तो मॉर्निंग के समय आइएगा अपनी छत पर यानी कि टेरेस गार्डन पर, आपको भी इनकी मॉर्निंग के समय ब्यूटीफुल फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और इनके ढेरों सारे फ्लावर के बर्ड्स और फ्लावरिंग इनमें आती है और इनके जो फ्लावर्स है वो झड़कर कुछ इस तरीके से नीचे भी गिर जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी हैवी क्वांटिटी में मुझे यहाँ पर इनकी फ्लावरिंग मिल रही है। तो कुछ इसी सेम तरीके से आप भी अपने घरों में चमेली फ्लावरिंग प्लांट्स को इनकी कटिंग से प्रोपोगेट करिएगा। बाकी अगर आप सभी को भी ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।